दोस्तों, नासा का मार्स परसुरेंस रोवर अपना काम शुरू कर दिया है। परसुरेंस रोवर मंगल ग्रह की वीडियो रिकॉर्ड करके नासा को भेज रहा है। मंगल ग्रह के जमीन में दफन कई रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। नासा का परसुरेंस रोवर चौंकाने वाली खोज कर रहा है, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है। अभी अभी परसुरेंस रोवर मंगल की जमीन पर 21 फीट सैर करके नासा को मंगल की जमीन का नजारा रिकॉर्ड करके भेजा है। दोस्तों, नासा का परसुरेंस रोवर क्या क्या खुलासा कर रहा है, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं, वो हर जगह छाए हुए हैं। नासा का परसुरेंस रोवर मंगल पर भेजने में भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। यह रोवर अब मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस रोवर को कंट्रोल हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव गुप्ता एक रूम से कर रहे हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के टैलेंट के आगे बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि बोरिस्का ने मंगल ग्रह को लेकर बड़ी बड़ी बातें बताई थी, उसकी बात सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। बोरिस्का ने यह भी बताया था कि मंगल पर न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद वहां जीवन खत्म हो गया था। कुछ लोग आज भी वहां जमीन के नीचे रह रहे हैं। तो दोस्तों, बोरिस्का की बात में कितनी सच्चाई है, इसका भी तलाश परसुरेंस रोवर द्वारा की जा रही है। जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर बड़े बड़े पहाड़, गड्ढे और बड़ी बड़ी झील कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। और आपको बता दें, पहली बार परसुरेंस रोवर एक झील में ही उतरा था, जिसका नाम जेजरो क्रेटर है। दोस्तों, मंगल पर मिला पानी नॉर्थ पोल के बर्फीले इलाके में एक झील के रूप में है, जो करीब 20 किलोमीटर इलाके में फैली है। और जो ये पानी है, बर्फीली सतह से करीब 1 किलोमीटर नीचे मौजूद है। दोस्तों, परसुरेंस रोवर से पहले नासा कई मिशन भेज चुका है, उनमें से एक क्यूरोसिटी रोवर था। क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल पर पानी की झीलों का पता लगाया था और ये पानी इन झीलों में वर्क के रूप में मौजूद है। इससे यही अनुमान लग रहा है कि मंगल की सतह पर कभी न कभी पानी जरूर मौजूद रहा होगा। और आपको बता दें, मंगल का वायुमंडल खत्म होने की वजह से मंगल की जलवायु बहुत ही ठंड हुई है और मंगल पर मौजूद जल बर्फ में बदल गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मार्सिस की मदद से झील की गहराई को भी नापने की कोशिश की, लेकिन सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाई और ये रहस्य रहस्य ही बना रह गया। लेकिन वैज्ञानिकों को परसुरेंस रोवर से बड़ी उम्मीद है। परसुरेंस रोवर अब इन झीलों का पता लगाकर नासा को डाटा भेजेगा। परसुरेंस रोवर में लगा मॉक्सी डिवाइस मंगल पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और झीलों में बर्फ के रूप में मौजूद पानी को तरल रूप में बदला जाएगा। और इस तरह पानी और ऑक्सीजन की उपलब्धता होने की वजह से वह इंसान बड़े आसानी से रह सकेगा और वैज्ञानिकों का मंगल पर कॉलोनी बसाने का सपना पूरा हो सकेगा। परसुरेंस रोवर अब अपना कमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं, मंगल के सभी रहस्यों का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस कामयाबी से आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों पर अगर आपको गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।